साल में एक हफ्ते की छुट्टी मिलेगी, नो बोनसेस। लेट आओगे तो सैलरी कटेगी, बॉस के हर जोक पर हंसना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हें पावर पॉइंट और एक्सेल का नॉलेज तो है ना? मैम आपने शायद मेरा रेज्यूमे ठीक से नहीं पढ़ा। मैं टाइपिस्ट की नौकरी के लिए नहीं आया हूँ। टाइम बहुत खराब है, कल ये भी नहीं मिलेगा। I'm sorry, मैं इस जॉब के लिए ओवरक्वालिफाइड हूँ। ये आपके पीछे कौन है? Who's this gentleman? मैडम, साल में मुझे एक भी छुट्टी नहीं चाहिए, बोनस नहीं चाहिए। बॉस के हर जोक पे हंसूंगा, बल्कि उनको हंसाऊंगा भी। पावर पॉइंट और एक्सेल ये भाई साहब मुझे सिखा देंगे, छोटी मोटी चीजें आप मुझे सिखा देना तो मैं नौकरी पक्की समझू। I'm sorry, पर आप इस जॉब के लिए अनक्वालिफाइड हैं। बोलना आपका प्रॉब्लम क्या है? चलो मैं इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मेरा दोस्त इस जॉब के लिए परफेक्ट है। प्लीज लीव जेंटलमैन, दिस इंटरव्यू इज ओवर। मैडम वैसे आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, बताइए बताइए। गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। अच्छा ठीक है, क्वालिफिकेशंस छोड़ो, अपनी मेजरमेंट्स ही बता दो। गेट आउट राइट नाउ। नाउ आई एम बैक टू कंप्लीट माय लास्ट सेमेस्टर। एक्सक्यूज मी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे क्लासरूम से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि तुमने मुझे वापस फोन नहीं किया। फोन नहीं किया? आपने मुझे कब कहा फोन करने के लिए? 12 साल पहले। What do you mean by 12 साल पहले? जब सीनियर ईयर में तुम मुझसे प्रॉक्सी लगवाते थे, मेरे नोट्स कॉपी करते थे और एग्जाम्स में मेरे पीछे बैठकर मेरा पेपर कॉपी करते थे। तानिया शर्मा, उसके बावजूद मैं फेल हो गया। इधर इधर ताने। क्योंकि तुम ठीक से कॉपी भी नहीं कर सकते थे, और कॉपी तो छोड़ो, यू डिडंट इवन रिकॉग्नाइज मी। मैं तुम्हें कैसे पहचानता? तुम उस वक्त ब्रेसेस पहना करती थी, 50 किलो तुम्हारे कम हो गए। जिस तानिया को मैं जानता था वो डबल एक्सएल कपड़ों की सुपर डुपर मॉडल हुआ करती थी, एंड नाउ यू सो अनफिट। तुम बिल्कुल नहीं बदले। हाँ वेल थैंक यू। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। या तो तुम कोई सुपर सक्सेसफुल वेबसाइट खोलकर तुम एक मल्टी मिलियनेयर बन गए और फिर बोर होकर वापस कॉलेज आ गए हो, या नो, मैं कोई मल्टी मिलियनेयर नहीं बना। हाँ ये जरूर है कि धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स और जेरी पटेल में तुम जानती हो कॉमन क्या है? वो तीनों कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं। बस फर्क इतना है कि वो स्पेशल बंदे थे और मैं जो हूँ स्पेशली चैलेंज्ड हूँ। बेसिकली लाइफ ने उन्हें थपथपा के आसमान तक पहुँचा दिया और मुझे थप्पड़ मार के सीधे अपने ग्रेजुएशन के लिए पहुँचा दिया। तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने का पहला टिप, तुम्हारी अगली क्लास 5 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। Run, Jerry, run! Yeah, fatso! Whatever. I know that none of you nincompoops can do this, but let's see who can try to get close to the real answer. I'm okay. Mama, I'll call you, brother. Rohan Mehta, could you please stand up? Sorry, sir. That was my mum calling me all the way from India. Ah, India. I received an interesting email the other day that taught me a lot about your country. Do you know what is the population of India? A lot, sir, a lot. 1.2 billion and counting. And of these billion people, millions are illiterate. In fact, India has the highest rate of illiteracy in the world. Rohan, you should be thankful that we allow fools like you to come to our country and get an education. Yes. If you don't mind me asking you, Professor, what email account do you use? Hotmail. Ah, Sabir Bhatia, one of those million illiterate Indians, created Hotmail. Can we get back to the problem on the board? Sir, can we solve that problem without using the number zero? No, we can't. And stop with the ridiculous questions. Aryabhatta, sir. Another illiterate Indian who invented the number zero. If you guys are such bloody geniuses, why didn't you study in your own country? Sir, it's not easy for nincompoops like us. Only brilliant minds get accepted to our colleges in India. Who knows, sir, if you applied, even you might get rejected. How dare you? Get out. Both of you. I don't blame you for being nervous. Main bhi blind date pe kabhi nahi gayi. Nahi, wo baat nahi hai. Blind dates to meri USP hai. But last time jiske saath main date pe gaya tha, uska over possessive violent ex-boyfriend wahan aa gaya. Usne mujhe... Hey, I love that game. Chalo. कौन सा स्टफ टॉय चाहिए तुम्हें? कुंग फू पैंडा। और ये तुम्हारे लिए। स्टफ टॉयज को नहीं मानना है, कैंस को मानना है। गन प्लीज। लेट्स गो। ठहरो, ये मुझे चैलेंज कर रहा है। मैं वो पैंडा जीत के रहूंगा। वाओ, आई एम अजय बापट।
मैं राधिका से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। अब फैसला तुझे करना है, क्या तू अपनी जान दे सकता है? ये कौन है? अजय, एक्स बॉयफ्रेंड अजय, मेरा डेट। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। राधिका, आई थिंक हमें चलना चाहिए। कौन सा स्टफ्ड चाहिए तुम्हें? विनी द पू। वेल डन बेबी। बस तुम्हारा चेहरा इमेजिन कर रही थी। लेट्स गो। लेट्स गो। किसी ने मुझे वापस फोन नहीं किया, और तुम तो वैसे भी मेरे लीग से बाहर हो। मुझे लगा कि तुम्हें मेरा नाम भी नहीं याद होगा। डोंट बी सिली विजय। इट्स अजय। ओह, वो यहाँ तो नहीं आएगा ना? कौन? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। निक, तुम उस इडियट की चिंता मत करो। ओके, इज यस्टरडेज न्यूज। तुम मेरे फ्यूचर हो डाली। एंड यू स्मेल वंडरफुल। साउंड्स नाइस। सो टुमारो मे बी। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती हूँ। उड़ो। आसमान को छूना चाहती हूँ, जहाँ कोई हमें नहीं रोक सकता। ओ, कोई नहीं। सो टेक मी। या? टेक मी हायर अजय। या। हायर। या। हायर। 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 व्हाट? हाय निक। अंदर चलें। अंदर? हाँ, डेट तो अभी शुरू हुई है ना? हाँ। चल। ठहरो राधिका, शादी से पहले मैं हमें कोई गलत कदम नहीं उठाने दूंगा। चुपचाप वहां जाके बैठो। व्हाट द? वन टू थ्री। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आसमान में आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती हूँ। सो टेक मी हायर अजय। हायर। हायर अजय। हायर। Rads, मैं तुम्हें 3 साल से जानता हूँ। I know when you're faking it. You know what? You're right. मेरी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे इन चीजों में एक्सपीरियंस नहीं है। मैं मदद करूँ Rads? Don't call me Rads. ये, सिर्फ मैं इसे Rads बुलाता हूँ। तेरा बहुत हो गया साले, और एक हाथ की पड़ेगी ना तेरे नाक पाड़ी से गंगा जमुना बहने लगेगा। हाँ हाँ, तेरे पास बॉडी होगा लेकिन मेरे पास जिगर है। जिगर। विजय, आई थिंक यू शुड लीव। अजय, जो भी है निकलो। बट आई बियर पिएगा? नहीं, आई एम स्ट्रिक्टली वेज। तो फिर ऑमलेट खिलाता हूँ, चल। नहीं, पर मेरी स्कूटर उधर पार्क है। स्कूटर से काम नहीं चलेगा, राधिका बहुत हाई मेंटेनेंस। इनकम टैक्स वाज फर्स्ट कलेक्टेड 1797। थैंक यू। टू फाइनेंस द वॉर अगेंस्ट द पोली। मिड टर्म्स के बाद सालसा क्लब ले गई, फाइनल्स के बाद डिज्नी वर्ल्ड ले जाना। आई नीड टू फोकस सनशाइन। सोच लो, मेरे पास पढ़ाई करने का फुल प्रूफ तरीका है। कोशिश भी करोगे तो भूल नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे हर सही आंसर पर अपने कपड़ों में से एक चीज उतार दूंगी। तुम जितने सही आंसर्स दोगे, मेरे उतने कपड़े। Will you stop it, Tanya? मैं फेल नहीं, बर्बाद हो जाऊंगा। Relax, it's not that easy, हाँ? मैं बहुत मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ। 4 महीने से पढ़ रहा हूँ, 3-4 आइटम तो डेफिनेटली उतरेंगे। और वैसे भी ये गेम हम ग्रेजुएशन के बाद नहीं खेल सकते। फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ। मुझे नहीं पता। इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ। फर्स्ट कलेक्टेड इन 1797 बाय द डच रिपब्लिक, इंट्रोड्यूस्ड इन द यूके इन 1799, अबॉलिश्ड इन 1816 एंड रीइंट्रोड्यूस्ड इन 1842। वेरी गुड। आई होप तुमने काफी लेयर्स पहने होंगे क्योंकि मैं इस वक्त फॉर्म में हूं। डिफाइन क्रॉस इलास्टिसिटी। Cross elasticity is when the price of one good affects the demand for another good. Example, अगर कॉफी का दाम बढ़ जाए तो लोग चाय पीने लगते हैं, जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो गाड़ियों की डिमांड गिर जाती है, और जब जेरी के आंसर्स निकलते हैं तो तानिया की शर्ट उतरती है। I want your shirt, I want your shirt, I want your shirt. Whoa, whoa, whoa. Next question. मल्टीपल चॉइस है तो ध्यान से सुनना। ओके। मैं तुम्हारे साथ ये गेम इसलिए खेल रही हूँ क्योंकि ऑप्शन ए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है।
ऑप्शन बी ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है, या ऑप्शन सी तुमने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं किया है। एसी चालू है तो गर्मी तो लग नहीं सकती। तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। ऑप्शन बी ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका, ऑप्शन बी। थैंक गॉड मैंने इसके नीचे कुछ नहीं पहना था। नहीं ऑप्शन ए, सी सी, ऑप्शन सी सी। All the best for your exams. It's definitely option C.